अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से खूबसूरत व्यूवर्स, वेलकम है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फैशन क्लोज़ेट पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपको ब्राइडल शॉवर ड्रेसेस के बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से आइडियाज़ मिलेंगे। इस वीडियो में आपको ब्राइडल शॉवर मैक्सीज और फ्रॉक के डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कलर के आइडियाज़ मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ब्राइडल शॉवर के थीम्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे और आपको वो सारे आइडियाज़ इस वीडियो में मिलेंगे जिससे आप अपने ब्राइडल शॉवर को एक खूबसूरत और एक यादगार तकरीब जो है वो बना सकती हैं। इस वीडियो में आपको सेटअप से रिलेटेड भी आइडियाज़ मिल जाएंगे, केक से रिलेटेड और ड्रेसेस से रिलेटेड भी आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शादियों का सीज़न है और आजकल शादी की रसूमात, जैसा कि पहले मेहंदी, मायूं और ढोलकी की तकरीबात की जाती थी, इसी तरह से एक और तकरीब भी पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा बनती जा रही है जिसे ब्राइडल शॉवर कहा जाता है, जो पहले तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था, वहाँ के कल्चर में आता था, अब पाकिस्तानी कम्युनिटी भी उसको अडॉप्ट करती जा रही है। तो बेसिकली ब्राइडल शॉवर एक ऐसी सेरेमनी, एक ऐसी प्री वेडिंग पार्टी होती है जिसमें ब्राइड की क्लोज़ फ्रेंड्स और क्लोज़ रिलेटिव्स पार्टिसिपेट करती हैं, और ये जो इसको बैचलर पार्टी भी कहा जाता है, और ये ख्वातीन की पार्टी होती है, ख्वातीन की तकरीब होती है। इस तकरीब में जो ब्राइड होती है उसको प्रिंसेस लुक दिया जाता है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस तकरीब के मौके पर जो ब्राइड होती है उसकी क्लोज़ फ्रेंड और क्लोज़ फीमेल रिलेटिव्स ब्राइड को गिफ्ट्स देती हैं, केक कट किया जाता है और जो ब्राइड होती है उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रिंसेस की तरह से तैयार किया जाता है। इस मौके पर ज़्यादातर लॉन्ग मैक्सीज, लॉन्ग फ्रॉक्स चलती हैं, नेट की फ्रॉक्स भी आप यूज़ कर सकती हैं, सिल्क की फ्रॉक भी यूज़ कर सकती हैं, और इस तरह से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली फ्रॉक्स भी आप यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा ब्राइड टू बी की सैश होती है वो कंपल्सरी होती है, पहनी जाए तो एक वो ब्राइड को एक यूनिक सा लुक दे देती है और सबको ही पता चल जाता है कि ये ब्राइड है। इसके अलावा डिफरेंट प्रॉप्स भी यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट सेटअप्स भी आप बना सकती हैं बलून्स के साथ। इसके अलावा मोस्टली ऐसा होता है कि केक कट किया जाता है, केक के साथ अगर आप चाहें तो कप केक्स भी जो है वो कर सकती हैं। इस तरह से डिफरेंट थीम के आइडियाज़ भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इस सेरेमनी पे ज़्यादातर जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं वो पिंक कलर, वाइट कलर, लाइलेक कलर, स्काई ब्लू कलर, यानी कि जितने भी लाइट कलर्स होते हैं वो ज़्यादा इन मौके पे यूज़ किए जाएँ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आइडियाज़ भी आपको अच्छे लगे होंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।